बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज देखिए कितनी धुंध पड़ी हुई है बाहर। कल बारिश होती थी शाम को, ये तबीयत सेट नहीं थी, तभी थोड़ी बेहतर है। तो रात को भी लगी है बारिश और अभी कितना प्यारा मौसम हो गया देखें। और मार्च का बिल्कुल एंड चल रहा है और ऐसे लगा है जैसे बिल्कुल दिसंबर जनवरी हो, माशाल्लाह से। और आज जुमेरात है तो अभी स्कूल की तैयारी करती हूँ, स्कूल जाना है। तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन काम बहुत है, इस वजह से स्कूल की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर कपड़े प्रेस करने हैं सबसे पहले। ये देखिए ना, अनार का जो है पौधा गिर गया, फिर पानी पड़ा हुआ है ना, इस वजह से। कल बारिश हुई है ना शाम को बहुत ज़्यादा। कितनी ज्यादा हुई है? बहुत ज्यादा। देखी थी? देखी थी, इधर उधर इधर उधर आती जा रही। अच्छा, फिर क्या किया है जब बारिश हुई? क्या किया आपने? बारिश में कपड़े गीले हो रहे थे। फिर आप रूम में चली गई हो? हाँ, भागी 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 गई हो? भागी भागी, पानी आ गया, सारे फूल बुते हैं। गाड़ी आ गई है। गाड़ी ये हम स्कूल वापस आ गए। नाबिया भी अंधला भी है और यहाँ पे बारिश हुई थी, कीचड़ कीचड़ है देखें, बहुत ज्यादा बड़ा मसला है। यहाँ आगे भी इसी तरह है देखें। आ जाओ नाबिया, इस वक्त छुट्टी होती है जब घर आ रहे होते हैं। नाबिया को ये होता है कि वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है। अभी भी कह रही थी वीडियो बनानी है, फिर मैंने कहा चलो अब बनाओ तुम। अब ठीक है। ये अभी खाना बन रहा है, हांडिया बन रही है, कलेजी। यहाँ पे दो है ना, तो आपसे नजर नहीं आ रही आपसे। से मजे की लग रही है जी। अभी बेसन के अंदर ये पालक वगैरह काट के डालनी है, क्योंकि पालक पहले नहीं डालते, पहले थोड़ी सी डाली हुई है, पानी डाल के मिक्स नहीं किया हुआ। ये पानी छोड़ देती है तो बेसन बहुत ही पतला हो जाता है। तो अभी इसको काट के ना इसके अंदर डालती हूँ मैं। पकौड़े बनाना मैं स्टार्ट कर दिए लेकिन टाइम बहुत ही कम रह गया है, क्योंकि 6 तकरीबन बज ही गए हैं। तकरीबन या 6 बजने में 2 मिनट रहते हैं और तकरीबन 20 मिनट रहते हैं। और पकौड़े वगैरह तो भी बनाने हैं, चिप्स भी बनाने हैं। ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लगता है लेट हो गई हूँ। मुझे हर रोज़ लगता है लेट हो गई हूँ लेकिन टाइम पे काम हो जाता है, अल्लाह करे आज भी हो जाए। तो अभी पकौड़े जल्दी जल्दी बनाते हैं। अभी ना फ्रूट काटा है, भाभी रोटी बना रही है वहाँ पर उस साइड पर बैठी। अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज पकौड़ों वाला दिन है, आज हम पकौड़े बनाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं हमने चिप्स बनाए हुए हैं। वो ये देखते हैं, हमने चिप्स बनाए हुए हैं और हमने दाल भी बनाई हुई है। चलिए आप वो भी दिखाते हैं आपको, हम दिखाते हैं दाल। ये देखें दाल भी हमने बनाई हुई है। मैं सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ। आपको मैंने ज़रूरी बात बतानी थी, आज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विसाल का दिन, आज हम दुरूद भी देंगे और उनके लिए दुरूद भी भेजेंगे। आप सब भी उनके लिए दुरूद भेजिएगा, शुक्रिया। किधर गई थी दोनों? किधर? मामा किधर गई थी? ना अभी आप मैं नानो के गई थी और इशाल भी नानो के गई थी। जरवा किधर थी? अपने किचन में थी। हाँ। सही है। फिर खाते तेरा अभी खाते जाते अभी मजे जी फिर करेंगे जी फिर खाते जाते जाते दो उंगली में डाली खाते जाते पीते जाते। मैं लेट हो गई, हर चीज इधर पड़ी हुई है, चले बाद में देख लूंगी। खाना खाऊंगी, कलेजी बनी हुई है, शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह।
अभी मगरब हुई थी, इसके बाद फौरन से बारिश लग पड़ी। ऐसे बादल बन के आए ना, अभी भी सही वाली बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश लगी हुई है हल्की हल्की। माशाल्लाह से मौसम ठंडा हो जाएगा और रोज़े बेहतरीन से बेहतरीन होते जा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि आप गंदम या ऐसा सा पक रही है, बहुत ज़्यादा बारिशें गंदम को नुकसान दे सकती हैं। अल्लाह ताला इस बारिश को सबके लिए रहमत बनाए, आमीन। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे अंडे बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं और साथ में यहाँ पे कहवा बनाऊँगी। तबीयत सेट नहीं है, फिर से तबीयत ख़राब हो रही, गला दर्द कर रहा है। अम्मी की तबीयत इसी तरह कर रही है, ख़राब हो रही है। चटनी वगैरह खाते हैं, उसमें दही होता है ठंडा, तो इस वजह से शायद, या मौसम बदल रहा है इस वजह से बारिशें भी हो रही हैं। तो अभी अंडे बॉयल करें, साथ कहवा बनाने हैं, खुद भी पीना है और अम्मी को भी देना है। कहवा बन गया और अंडे भी बॉयल हो गए हैं, अभी अम्मी सोई हैं, उनको जगाना है और ये कहवा देना है और अंडे पकड़ाने हैं ताकि वो खा लें। आज 18वां रोज़ा है और अभी सहरी का टाइम है, सहरी करते हैं। इशा की तरफ हुई है, ये दूसरा दिन ये उठ जाती है ये लड़की, अब याद आई है कि सारे उठते हैं। क्यों शादी वाली, क्या हुआ, क्यों निकल वाला सालम बनाओ प्लीज। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं खूबसूरत अच्छी वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।